कई संस्था आती हैं, गली मोहल्ले की बहुत संस्था हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं, गली में कुछ जाने ना जाने, दस आदमी उनके पास हो ना हो। ऐसे ही हमारे सागरा क्षेत्र दिल्ली प्रदेश दिल्ली में इस इतना अच्छा कार्य चल रहा था, भारतीय बौद्ध महासभा का एक संस्था थी, पूरी इंडिया में थी, कभी उसमें कोई विक्टर नहीं हुआ। लेकिन कुछ लोग ऐसे स्वार्थी हो गए जिन्होंने अपने पद के लोलुपता में स्वार्थ में आकर के नई संस्था गठित कर ली और बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया जो बाबा साहब की बनाई संस्था है उसको खत्म कर दिया। हमने बड़ा प्रयास किया, हमारे सभी साथी जो यहाँ बैठे हुए हैं पूरी दिल्ली के, उन्होंने बहुत प्रयास किया और आज वो दिन है कि जो पहले संस्था काम कर रही थी उससे भी कहीं अधिक बढ़ चढ़ कर काम कर रही है। पटपटगंज में बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है, सागरा क्षेत्र में मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा क्योंकि आपको मालूम है सब यहीं के रहने वाले हैं। मनावली में हम ये 37 आदमी को दीक्षा दिलाई है। अभी तो पिछले महीने डॉक्टर अम्बेडकर भवन पर 500 आदमी को हमने दीक्षा दिलाई और अब की बार भी 8 अक्टूबर को अम्बेडकर भवन पर एक बहुत विशाल दीक्षा समारोह मनाया जाएगा। सभी नोट कर लें, अपने रिश्तेदारों को लाएं और सभी लोग आएं और वहां पर दीक्षा की आपको दीक्षा लें, उस समारोह में शामिल हों। दमबंगो उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे बाबा साहब के परपोत्र राष्ट्रीय अध्यक्ष रायतन अम्बेडकर जी उसमें उपस्थित होंगे। जो भारत में बौद्धों की स्थिति है उसका उन्होंने बखान अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में, वियतनाम में, थाईलैंड में और कई जगह उन्होंने उसका बखान किया है कि भारत में हमारे बौद्धों की क्या स्थिति है। जब कभी विश्व सम्मेलन बौद्धों का होता है तो केवल वहाँ कौन जाते हैं, ब्राह्मणवादी लोग जाते हैं, वहाँ बौद्ध बन जाते हैं और यहाँ आकर के फिर हिंदू होते हैं। जो ब्राह्मणवादी लोग जोशी आपके नायडू साहब गए थे जो उपराष्ट्रपति हैं, जब ये जाते हैं तो क्या आप समझते हैं हमारे बौद्धों की बात उठाएंगे, हमारे बौद्धों की समस्या को उठाएंगे? नहीं उठाएंगे, ये तो केवल अपनी ही बात करेंगे। इस संदर्भ में मैं ज़्यादा ना कहते हुए अपनी बात को समाप्त करूँगा। आज का जो समय है वो हमारे लिए बहुत विकट समय है और विकट समय से हम कैसे परिस्थिति से निकलें ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। हम बाबा साहब के बारे में बात करते हैं, बहुत बड़े नारे लगाते हैं, ओजस्वी भाषण देते हैं, मीटिंग करते हैं, धरना करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते कि हमें अब आगे करना क्या है, हम क्या करें आगे, कैसे हमारा समाज बढ़े। एक तरफ आप देखते हैं कांवड़ियों की लाइन लगी पड़ी है और उसमें अधिकतर हमारे वर्ग के लोग हैं जो जाते हैं। रोज पेपर में आता है वहां उसको दलित की बात, दलित की बरात, दलित के साथ बलात्कार कर दिया, वहां हत्या कर दी और वहां उसको मार दिया, वहां पिटाई कर दी, किसी के जय श्री राम कहने पर पिटाई कर दी, किसी के कुछ कहने पर पिटाई कर दी। लेकिन इतना होते हुए भी हमारे समाज में ये स्थिति होते हुए भी हम सुधार का नाम नहीं ले पा रहे हैं, यह हमारे लिए बहुत शोचनीय विषय है। जब तक हम बाबा साहेब के बताए रास्ते पर नहीं चलेंगे, भगवान बुद्ध के रास्ते पर नहीं चलेंगे, तब तक हम अपना विकास नहीं कर सकते। अभी मैं आह्वान कर रहा हूं आपको, सन 2021-22 में भारत में जनगणना होने वाली है, भारत में जनगणना, इस जनगणना में अभी आप 10% लोग भी शेड्यूल्ड कास्ट के दिल्ली में अपने को बौद्ध लिखाएंगे, डाटा में बौद्ध आएगा, तो मैं समझता हूं हमें हिंदुवाद को खत्म करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो स्वतः ही अपने आप समाप्त हो जाएगा। बशर्ते कि हमें बुद्ध लिखाना है, बुद्ध धर्म को ग्रहण करना है। बहुत सारी बातें हैं उसकी कोई अंत नहीं है, कहीं इसका छोर नहीं है, बस हमें अपने मन में ये सोचना है, ये धारणा बनानी है कि हमें बुद्धिस्ट बनना है,
हमें बौद्ध बनना है। हम लोग स्टेज पर खड़े होकर के ब्राह्मणवाद को गाली देते हैं, मनुवाद को गाली देते हैं, और दे करके स्टेज पर गाली प्रदर्शन करके बाबा साहब के चेहरे लगा करके और अपने घरों बढ़ जाते हैं। इसके अलावा हम कुछ नहीं कर पाने। हर संस्था अलग अलग बन जाती बन रही है, हर उसका अध्यक्ष बनना है। नेतृत्व तो है नहीं, लेकिन नेतृत्व तो प्राप्त करने की कोशिश हमारा समाज कर रहा है। और जब तक हम इस प्रतियोगिता को, समाज के नेतृत्व को, इसको हम समाप्त नहीं करेंगे, तब तक हम अपना विकास नहीं कर पाएंगे। संस्था बाबा साहब ने सप्ताह सेंगल बनाया, हमें उसको नहीं बनना चाहिए। बुद्धि सोसाइटी ऑफ इंडिया बाबा साहब ने बनाई, उसको हम फॉलो करना चाहिए। अगर उसको हम फॉलो नहीं करेंगे तो हम अपना विकास नहीं कर सकते। कितने लोग ऐसे जो बाबा साहब को मानते हैं, हाथ उठाकर बता सकते हैं? सभी लोग बाबा साहब को मानते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि बाबा साहब को ही केवल 10% लोग मानते हैं। बाबा साहब को तो मानते हैं, लेकिन 10% लोग मानते हैं उनकी बात को। ब्राह्मणवाद को गाली वो व्यक्ति दे सकता है जो अपने जीवन में, अपने परिवार में ब्राह्मणवाद को समाप्त करने के लिए प्रण कर बैठा है। हम ब्राह्मणवाद को गाली देते हैं, मनोवाद को गाली देते हैं, घर में हम बुलाते हैं, भिक्षु को नहीं बुलाते, पंडित को बुलाते हैं। जरा सा काम होता है हम हवन कराते हैं, बच्चा होता है हवन कराते हैं। फेरों के बिना अगर फेरे नहीं पड़े तो समझ लो हमारे बच्चे की शादी नहीं हो पाती। यह हम लोगों की धारणा बनी हुई है। किन्हीं का कितने, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भाषण देते हैं और उनके घर में देखा जाए तो वहां इतनी बड़ी बड़ी तस्वीरें होती हैं ब्रह्मा विष्णु महेश की, और गणेश जी टंगे होते हैं सबसे मेन द्वार पर, हाथ में कलावे सबके होते हैं, और वैसे भाषण देते हैं स्टेज पर खड़े होकर। जब तक हम इस बात को लेकर नहीं चलेंगे तब तक हम अपना विकास नहीं कर सकते। भाई बाबा साहब का जो विकास है, बाबा साहब का जो मिशन है, वो है समता, समानता, भ्रातृत्व भाव, बंधुभाव, बंधुता, समाज में एकता। अगर हमें अपने समाज में ब्राह्मणवाद को लाना है, समाप्त करना है ब्राह्मणवाद को, और अंबेडकरवाद को लाना है, तो ब्राह्मणवाद को हमें जनमूल से खत्म करना पड़ेगा। हमें बात ही नहीं करनी उससे। अभी हम कहते हैं भाई औरतें हैं, महिलाएं हैं, बैठी हैं, इसमें मैं कम है थोड़ी सी महिलाएं, लेकिन जहां महिलाएं हो ज्यादा होती है वहां भी मैं ये बात कहता हूं कि महिला ऐसी चीज है, ऐसा व्यक्तित्व है, वो चाहे तो समाज को तुरंत बदल दे, लेकिन हमारे महिलाएं इस काम में भी पीछे हैं। या तो हम कहें वो गाइडेंस नहीं मिल पा रही है, या वो इस सब में आना नहीं चाहती। हमारे आदमी बुद्धि सोसाइटी बन जाता है, समता सेंट्रल बन जाता है, और संस्था बन जाता है, और उसी घर वाली नवरात्रि के व्रत रखती है, उसी घर में पूजा होती है। तो देखिए वास्तविकता ये है कि जब तक हम दोनों नावों में पैर रखते रहेंगे तब तक हमारे समाज का विकास नहीं होगा। संस्था हम 2000 बना लें, 50 बना लें, कितनी संस्था बना लें, इससे हमारा काम चलने वाला नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि ज़्यादा संस्था है, ज़्यादा संस्था अच्छा है, ठीक है ज़्यादा संस्था होनी चाहिए, लेकिन आज के ज़माने में हम अपने लोगों की बात कर रहे हैं, हर आदमी, हर अध्यक्ष संस्था का दूसरी संस्था के अध्यक्ष के नेतृत्व में काम करने को राजी नहीं है। दोष देते हैं RSS को, बहुत लोग RSS की बुराई करते हैं, पर मैं कम से कम उनसे ये पूछना चाहता हूं कि सन 1920 में RSS की कल्पना हुई और 1925 में RSS बनकर तैयार हो गई, आज 2019 है, आपने देखा किसी ने कि RSS के दो भाग हो गए? किसी ने सुना है? नहीं सुना। RSS भी एक है, एक नेतृत्व चलता है, पहले स्टेट लेवल पर चलता है, जिले लेवल पर चलता है, शाखा लेवल पर चलता है। जो एक कह देता है, जो RSS का एक आदमी कहेगा, उस बात को कोई लांग नहीं सकता, सब उसी कहने में चलेंगे। और आज का जो हाल है वो यही चल रहा है। यहाँ की सरकार भी, जो हमारी सरकार प्रेजेंट सरकार है, वो भी RSS के कहने में चल रही है। तो हम क्यों नहीं मानते उन बातों को? गाली हमने, हम जितनी गाली देंगे स्टेज पर ब्राह्मणवाद को बनो या उसको ब्राह्मणवाद को, ब्राह्मणवाद गाली सुनता है। हम तो कहेंगे गाली देके भट में पड़ जाते हैं, अपने घर पहुंच जाते हैं, लेकिन ब्राह्मण जो है हमारी गाली पर विश्लेषण करता है,
हमारी गाली पर सोचता है, उस पर निर्णय लेता है और जब वो काम करता है। कितना फर्क है दोनों में। हम गाली देके उस पर स्टेज पर अपने घर में बढ़ गए, चले गए। दूसरा आदमी गाली सुनना है, जिसने गाली सुनी है आरएस के लोग ने, विश्वसुंदर परिषद के लोग ने, बजरंग बल के लोग ने, वो बैठ करके विश्लेषण करते हैं कि ये क्या कहते हैं और तब अपनी क्रिया चालू करते हैं। यार वही तो समाज है हमारा। जो लोग डरते थे, जैसे नाम बोलता था मुझसे कोई नहीं बोलता था, और आज देख लो हर गली मोहल्ले में जैसे नाम के नारे लग रहा है। जय भी मालों से जैसे नाम बनवाते हैं, जिसको हम कहते थे अल्पसंख्यक वर्ग, मॉडर्न्स कहते थे जिसको, आज उनकी क्या हालत है, दलितों की क्या हालत है, ये सब आप लोग जानते हैं। और इसका मेन जो परिणाम है वो यही है कि हम आदमी, हम आप, हमारा समाज संस्थाओं में बटा हुआ है, एक संस्था में काम नहीं करते, बाबा साहब की जय जय बोल करके सारी बात खत्म कर देते हैं। तो मैं इस मौके पर शारदा क्षेत्रीय समस्त टीम को, मौर्य जी, ओम प्रकाश जी, राजाराम जी, इन्होंने बहुत मेहनत की है, इनके सहयोगी ने बहुत मेहनत की है, अब मैं साधन क्षेत्र की तरफ से अपनी तरफ से सभी को धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि आगे ये काम और आगे बढ़ता रहे। एक बात और थोड़ी सी कहूंगा इस टीम से, सभी लोग बैठे हुए हैं, जब हमारी शोभा यात्रा निकलती है तो उस शोभा यात्रा में विश्वास नगर के बाद सभी लोग इस बात पर ध्यान देंगे, कुछ बच्चे ऐसे उद्दंड मचाते हैं जो हमारे लिए बहुत खतरनाक है। नंगे हो जाते हैं, गुलाल लगा लेते हैं, एक ने तो कृपाण ले रखी थी, तलवार पता नहीं क्या ले रखी थी, उसे घुमाते हैं, नंगे होकर डांस करते हैं। ये हमारे लिए बहुत ही सोचनीय विषय है और निंदनीय विषय है, हमें इसकी निंदा करनी चाहिए और हमें खुद रोकना चाहिए उन बच्चों को, जिस भी शाखा के, जिस कॉलोनी के बच्चे हैं उनको रोकना चाहिए। क्यों? क्योंकि हो सकता है हमारे बीच में कुछ ऐसे तत्व हो जाएं जो झगड़ा करने पर उतारू हो जाएं, और जब झगड़ा करने पर उतारू होंगे तो हो सकता है दिल्ली पुलिस अगली बार हमको परमिशन न दे। आप सोच रहे हैं ना सब बात? तो हमें जो झांकी लाते हैं, जो हमारी शाखाएं हैं, जो ब्रांच हैं, वो इस बात का विशेष ध्यान रखें आते जाते समय कि ऐसे उद्दंडी लड़के नहीं होने चाहिए, क्योंकि उससे हमें खतरा है, हमें नुकसान है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः सभी को धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि हमारे जो बाबा साहब द्वारा बनाई हुई बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया है, जो आज कार्य कर रही है, उससे और बढ़ चढ़ कर कार्य करेगी। हमारा क्षेत्र कार्य करेगा, पड़पण क्षेत्र कार्य करेगा, साउथ भी कार्य करेगा, सब लोग बहुत अच्छा कार्य करेंगे। हमारी स्थिति बहुत मजबूत है, पूरी दिल्ली में हमारी शाखाएं बन रही हैं, नरेला से लेकर के ढांसा बॉर्डर तक हमारी ब्रांचें हैं, सब लोग हम आते हैं। बदरपुर और तुम्हारा देवली, जयपुर, ये सारे बॉर्डर के नाम मैंने आपको गिनाए हैं, सब में बुद्धि सोसाइटी ऑफ इंडिया काम कर रही है, सबकी ब्रांचें बन रही हैं, हर क्षेत्र से हमारा प्रतिनिधित्व वहाँ होता है, हमारे बीच में कोई झगड़ा नहीं होता, एक दूसरे की बात को सब मानते हैं। जैसे दूसरे संस्थाओं में झगड़ा हो जाता है तो ऐसा हमारे झगड़ा भी नहीं होता, कोई बात मानता है, सब लोग मानते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।